अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स DAV कॉलेज गेट के सामने से। सिवान के प्रसिद्ध समाज सेवी डॉक्टर त्रिभुवन नारायण सिंह के प्रथम पुण्यतिथि पर पहुंचे इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रणविजय सिंह। आपको बता दें कि एक वर्ष पूर्व मरीजों की सेवा करते करते खुद कोरोना की चपेट में आने से महान समाज सेवी और गोपालगंज के तत्कालिक सिविल सर्जन डॉक्टर त्रिभुवन नारायण सिंह की मौत हो गई थी, जिसके बाद से पूरा परिवार और पूरा समाज शोकाकुल था। कोरोना काल होने के कारण प्रसिद्ध डॉक्टर त्रिभुवन सिंह के अंतिम संस्कार में लोग नहीं पहुंच पाए थे। आज एक वर्ष बीत जाने पर आज उनके निजी अस्पताल, जो उनका घर भी है, में उनके आदम कद मूर्ति स्थापित की गई, जिसका अनावरण इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और डॉक्टर साहब के परम मित्र श्री रणविजय सिंह ने किया। इस मौके पर सिवान के पूर्व सांसद, वर्तमान विधायक सहित तमाम BJP JDU के नेता और सभी सिवान के वरिष्ठ डॉक्टर सहित हजारों लोग पहुँच कर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। सर, सिवान के प्रसिद्ध समाजसेवी और वरिष्ठ डॉक्टर त्रिभुवन जी की आप पुण्यतिथि पे आए हैं, क्या कहेंगे? डॉक्टर त्रिभुवन नारायण सिंह, त्रिभुवन भाई, मेरे BSc के क्लास फेलो रहे, कालांतर में वो डॉक्टर हुए और मैं अधिवक्ता हो गया। हमारी उनकी मुलाकात बड़ी सीमित रही, लेकिन कुछ उनके बताने के बाद और बहुत कुछ लोगों के सुनने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि ये उच्च कोटि के सर्जन थे, समाज सेवी थे, दयालु और सहृदय थे और धरती पे आना और जाना ये तो प्रकृति का नियम है, लेकिन त्रिभुवन भाई अपने मरीजों के बीच में, अपने परिवार के बीच में, अपने मित्रों के बीच में, अपने चाहने वालों के बीच में हमेशा जिंदा रहेंगे। हम उनको भावनी श्रद्धांजलि। थैंक यू सर। जी मैडम, आज डॉक्टर साहब की पहली पुण्यतिथि मनाई जा रही है, आप पहुँची हैं, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब के चरणों में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ, और जो डॉक्टर साहब सिवान वासियों के लिए, बिहार वासियों के लिए, जो उन्होंने समाज सेवा के रूप में जो कार्य किए इस धरती पर, उनको कभी भुलाया नहीं जा सकता। डॉक्टर साहब भले हम लोग के बीच में नहीं हैं, लेकिन जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक डॉक्टर साहब का नाम रहेगा, इस धरती पर वह जीवित रहेंगे।